गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। सो इन दिस वीडियो वी विल डू दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर उर्दू बुक। सो स्टूडेंट, फर्स्टली आप लोगों को अपनी बुक ओपन करनी है उर्दू की, और फर्स्ट चैप्टर ओपन करना है। क्या है आपके चैप्टर का नेम? दुआ। आप सभी को पता है दुआ किसे बोलते हैं? इंग्लिश में इसे विश बोलते हैं, हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं, और उर्दू में इसे बोलते हैं दुआ। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग। ओके, आप लोग, मैं पढ़ूंगी, आप लोग मेरे साथ उसे रिपीट करना, दोहराना। सो पहले है, अल्लाह ने पैदा किया, उसने हमें सब कुछ दिया, वो एक है, बेमिसल है, मालिक है, वो सबसे बड़ा, वो पाक है, बेऐब है, सब में मिला सबसे जुदा, वो होगा जब ना होगा कुछ, वो जब भी था जब कुछ ना था, इंसान हो हैवान हो, सुनता है वो सबकी सदा, दुख सुख है उसके हाथ में, जो जिसके लायक थद्या दिया, अपनी भलाई के लिए उसने मांगे, उससे ना मांगे क्यों दुआ। ओके, सबसे पहले हमने क्या की है, रीडिंग कर ली है इसकी। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि एक्सप्लेनेशन। सो अल्लाह ने पैदा किया, हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमें सब कुछ दिया। किसने? अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। वो एक है, बेमिसल है, अल्लाह एक है और उस जैसा कोई नहीं है। मालिक है वो सबसे बड़ा, कौन हमारा मालिक है? अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो पाक है, बेऐब है, अल्लाह सबसे पाक है और उसके जैसा कोई नहीं है, उसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सबसे मिला सबसे जुदा, अल्लाह सबकी बात सुनता भी है और सबसे अलग भी है। वो होगा जब ना होगा कुछ, जब दुनिया में कुछ नहीं होगा ना तब भी अल्लाह होगा। वो जब भी था जब कुछ ना था, जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी कौन था? तब भी अल्लाह था। इंसान हो हैवान हो, कोई चाहे कोई अच्छा इंसान हो या कोई बुरा इंसान हो, जो दूसरों के साथ अच्छा नहीं करता हो, बुराई करता हो, सुनता है वो सबकी सदा, अल्लाह सबकी सुनता है, अच्छे लोगों की भी और बुरे लोगों की भी। दुख सुख है उसके हाथ में, हमें दुख देना सुख देना, हमारे साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह की रजा शामिल होती है, और अगर कुछ बुरा होता है तो उसमें भी अल्लाह की रजा शामिल होती है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, पता क्यों नहीं हो रहा, अल्लाह की मर्जी ही शामिल है, हो सकता है हमारे साथ उसके बाद कुछ अच्छा हो। जिसके लायक था दिया, अल्लाह ने हमें वही दिया है, तक किया है जो हम जिस चीज़ के लायक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास हमसे ज्यादा है तो वो ज्यादा है, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ने किसको ज्यादा दिया किसको कम दिया। अपनी भलाई के लिए उसने ना मांगे, उससे ना मांगे क्यों दुआ। हम अपनी भलाई के लिए अल्लाह से ही तो दुआ मांगेंगे, और किसी से थोड़ी ना मांगेंगे। तो हम अपनी भलाई के लिए हमेशा अल्लाह से ही दुआ मांगेंगे। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करते हैं अब इसके। सो दर्ज ज़ेल सवालों के जवाब सिर्फ एक लफ्ज में लिखिए। यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे भी इस तरह से भी लिख सकती थी मैं, लेकिन मैंने यहाँ इस तरह से लिख दिया है। ओके, इसके आंसर आपको किस तरह से करने हैं, एक अल्फाज में। जैसे कि इंसान को किसने पैदा किया, पूरा एज इट इज है, इंसान को किसने पैदा, किसने की जगह हम कर देंगे अल्लाह ने पैदा किया। नेक्स्ट है, क्या अल्लाह सबका मालिक है? क्या अल्लाह सबका मालिक है? हाँ, अल्लाह सबका मालिक है। नेक्स्ट, सबकी सदा कौन सुनता है? सबकी सदा, हमेशा, सदा मीन्स ऑलवेज, यानी हमेशा। कौन सुनता है सबकी सदा? सबकी सदा अल्लाह सुनता है। नेक्स्ट है, क्या सुख दुख अल्लाह के हाथ में है? क्या हमारे साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो सब उसमें अल्लाह की रजा शामिल होती है? जी हाँ, सभी सुख दुख अल्लाह के हाथ में है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज, हमें किससे दुआ मांगनी चाहिए? किससे मांगनी चाहिए? हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। ओके, याद रखना, हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक पे भी करने हैं। ओके, इसमें क्या है, बस अल्लाह ने किसको पैदा किया, अल्लाह ने को किसने पैदा किया, इंसान को किसने पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। क्या अल्लाह सबका मालिक है? हाँ, अल्लाह सबका मालिक है। सबकी सदा कौन सुनता है? सबकी सदा अल्लाह सुनता है। क्या सुख दुख अल्लाह के हाथ में है? जी हाँ, सभी सुख दुख अल्लाह के हाथ में है। हमें किससे दुआ मांगनी चाहिए? हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। तो सब में मोस्टली अल्लाह ही आंसर है। नेक्स्ट है, खाली जगह भरिए। उसने हमें डैश दिया, डैश कुछ दिया, तो क्या दिया? सब कुछ दिया। नेक्स्ट, वो पाक है, बे डैश है, बेऐब है।
नेक्स्ट सुनता है वो डैश की सदा, किसकी, सबकी सदा। नेक्स्ट अपनी डैश के लिए, अपनी किसके लिए, भलाई के लिए, डैश से ना मांगे क्यों दुआ, अल्लाह से उससे ना मांगे क्यों दुआ। ओके सो ये आपको बुक में भी फिल करना है। ओके सो नेक्स्ट है दर्ज ज़ेल अल्फाज को खुशखती लिखिए, ये आपको एज इट इज लिखना है ताकि ये वर्ड आपको लिखने आ जाए, बेमिसल सदा लायक। ओके सो होपफुली आप ये चैप्टर अच्छे से समझ पाए होंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।